The verses you write day and night are yours, but different. चीज़ में वैसे एक इंस्टा या पिंटरेस्ट सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि लोग पोइट्री की तरह ना लेटर लिख रहे थे, लाइक पोइट्री बट इन लेटर्स. तो मैंने वो चीज़ ट्राई की थी और एक ये लेटर लिखा था, यू नो, जस्ट फॉर द पीपल, कि या तो कोई यंग पोइट है या फिर जस्ट ऐसे ही लिटिल बिट ऑफ एडवाइस लेटर. डियर रीडर, इफ़ यू टेक द एम्प्टी रोड, मेक श्योर टू कीप होप सिक्योर्ड इन योर पॉकेट. If you aim at the sky, make sure it's broad enough so you don't miss. If your ideas sound vague, reach inside you and ask yourself the hardest questions. You bleed on paper that once was the plane that flew above your gleaming face. The ink staining your hands comes off, but stained heart remains the same. The rage of the sky will look beautiful in time. The wounds will be healed and the scars will make their own constellations. The verses you write day and night are yours, but different than the life you live. The verses are the life you can't live, yet you live the verses you can't write. Wow. In the war of life, pen and paper are your swords and shield. Hope is the morning after. It sometimes leaves, but always comes back stronger. Remember, it's okay to fall and get hurt. The only thing matters is if you stand up again. The path is lonely, hard, but good things are never easy. Don't think, just keep going. Never look back and keep going. Know that you never walk alone. Even silence is your friend, and before you know it, you would have grown immensely. Yours, a fellow poet. P.S. Welcome to the tortured poets department. एक मैंने और लिखी थी, यू नो, लाइक सिंस फेब्रुअरी वैलेंटाइंस डे, तो मैंने प्यार के ऊपर लिखने की ट्राई की थी. लाइक ये थोड़ी वैसी है कि जैसे बुक्स वगैरह में नहीं वो होता, रियल लाइफ वाला कुछ नहीं है इसमें. तो Heaven is the place in your letters, I read. An ivy of you grows in the depths of me until I'm drowning in your everything I breathe. Your verses painting my scars, mine addressed to your shadows. Like snow in June, a comma I thought was a stop, a new phrase I drifted to. Warm hands in mine, I am melting in between. Dancing around like we are 17 in a complete fantasy. Bound for forever, you and I, constellations of our mistakes colliding into galaxies of us. For I have never been in love until your breath met mine. For I have never lived until your smile met my eyes. For I have never loved until I heard your soul and knew it was made for mine. Wow. हिजर तेरे दी जून मैं हंडा रहा, यादा दे विच अपना आप जला रहा. हिजर तेरे दी जून मैं हंडा रहा, यादा दे विच अपना आप जला रहा. प्यार नू जे लोग रब आख दे, ता मैं करके प्यार क्यों पछता रहा. प्यार नू जे लोग रब आख दे, ता मैं करके प्यार क्यों पछता रहा. बेशक तैनू कदर साड़ी भोरा ना, बेशक तैनू कदर साड़ी भोरा ना. मैं तेरे पैरां दे चिन्ना ते चुम्मण ला रहा. बेशक तैनू कदर साड़ी भोरा ना. मैं तेरे पैरां दे चिन्ना ते चुम्मण ला रहा. चखड़ अगे जोर जिसदा चले ना, चखड़ अगे जोर जिसदा चले ना. मैं कबर दे दीवे वांगू बुझदा जा रहा. चखड़ अगे जोर जिसदा चले ना. मैं कबर दे दीवे वांगू बुझदा जा रहा. मेहर मावे रात होगी ख्वाब विच, आ लास्ट है जी बस. मेहर मावे रात होगी ख्वाब विच, मैं मिलके तैनू सुत्ता क्यों मुस्कुरा रहा. मैं मिलके तैनू सुत्ता क्यों मुस्कुरा रहा. मैं मिलके तैनू सुत्ता क्यों मुस्कुरा. बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच.
कि तुम अपने लफ्ज़ों की महक छोड़ना सबके जहन में कुछ इस तरह, कि तुम अपने लफ्ज़ों की महक छोड़ना सबके जहन में कुछ इस तरह, जैसे साबुन अपनी महक छोड़ जाता है जिस्म में मिलने के बाद, कि तुम अपने लफ्ज़ों की महक छोड़ना सबके जहन में कुछ इस तरह, जैसे साबुन अपनी महक छोड़ जाता है जिस्म में मलने के भी के बाद, कि जब भी किसी महफिल में कोई कहे इरशाद, कि जब भी किसी भी महफिल में कोई कहे इरशाद, वहाँ खड़ा हर कदरदान सोचे कि ये है आप। सॉरी फॉर द स्टैमरिंग पार्ट, थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन है। कि हुन तुसी हसब, कि हुन तुसी दंद दिखाई जाओ दिखाई जाओ, कि हुन तुसी दंद दिखाई जाओ दिखाई जाओ, रल मिल के तुसी हसा पाई जाओ पाई जाओ, कि दीप्ति हुन मूड विच आ गई है एस पिछे तुसी खुश होई जाओ खुश होई जाओ। वैसे मैं यहाँ पे आने से पहले मेरे बच्चे ने बोला था मम्मा बोलना मत, लेकिन अब लगता है बोलना पड़ेगा। टू ऑल द पूफर्स अप हियर जिनका बूथा सूजा हुआ है, थोड़ा हंस लो यार, जिंदगी छोटी सी है। कि खसमन खाए और चिंता जेड़ी तुहानू जीन नहीं और देंदी है, कि खसमन खाए और चिंता जेड़ी तुहानू जीन नहीं और देंदी है। तुहाडे खाबा नू उडाड़ी मारन तो पहला तुहानू हसन नहीं और देंदी है। शुक्रिया शुक्रिया। तो जनाब दिस इज फॉर ऑल द किड्स जिनके मावा ते पापा जेड़े हगे हैं, जिनके होने वाले हैं उनको मैं तथास्तु करती हूँ उनके हो जाए जल्दी जल्दी, और जिनके बच्चे हैं यहाँ पे उनके लिए रिलेटेबल है। ये माइक छोड़ दूँ सुनाई देगा सबको, कि गवर्नमेंट ने 1954 में प्लानिंग सबको दी थी, हम दो हमारे दो मेरे भी दो अनमोल रतन, जिनके पीछे इतना बड़ा गैप है, कितना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। और हम सब के पहला बच्चा बच्चा होता है, माँ बाप का बच्चा होता है, दूसरा बच्चा ऐसे ही होता है। पहला बच्चा माँ बाप का सच्चा प्यार, दूसरा बच्चा ऐसे छुट्टा होगा। पहले बच्चे से सारी हमारी उम्मीदें जागृत होती हैं, होती है या नहीं? दूसरे में छोड़ा हुआ है, पढ़ लेगा जी लेगा मर लेगा। एग्जैक्टली मुगला सेविया। तो जी पहला बच्चा, पेपर का टाइम है, दोनों जगह पेपर पेपर चल रहे, सारा घर मेरा किताबों से भरा हुआ है और मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ बीच में, तब भी इतना प्यार पहले बच्चे से। यूनिवर्सिटी, बेटा पढ़ लिया? ही इज वॉचिंग मी लाइक दिस। बेटा पढ़ लिया? मम्मी क्या हो गया? और दूसरा, मम्मी मेरा पूछ लो, मैंने प्लीज गेट लॉस्ट, तुम्हारा मुझे पढ़ना नहीं आता। दूसरा पेपर देके आ रहा है, बेटा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है। बोलता है, मम्मी तुम्हें कुछ समझ आता है? और दूसरा, मम्मी चला डिस्कशन मारे, मैंने मुझे तेरा नहीं समझ आता है। चलो पहले का रिजल्ट आया, थर्ड ईयर रिजल्ट, बेटा मार्क्स कितने आए हैं तुम्हारे, रिपोर्ट कार्ड दिखाना। ऐसे देख रहे हैं, मम्मी तुम्हारे पापा ने तुमसे कभी मार्क्स पूछे थे क्या? मैं चुप, मम्मी आई एम फर्स्ट। मैंने, अच्छी बात है, मुबारकें, लड्डू खा लो जाके। व्हाट टू डू, आई कैन टॉलरेट मोर स्टडीज ऑफ टिल क्लास 10th, समझ ही नहीं आती हूँ। हाँ मुझे अब यूनिवर्सिटी की सारी पढ़ाइयाँ शुरू आ गई हैं,
अब माहौल कुछ ऐसा बन गया मेरे घर का कि बेचारे छोटे को हमने बोल, सारा घर कहता है ये तो भाई बेटा मेरा, मेरी बेटी को जाके कहता है यार तुझे पता है जब तू लेबर रूम, मेरी दो आंटियां लेबर रूम में गई थी आज से 14 साल पहले, मैंने कौन सी आंटी बेटा, बोलता जो आपके साथ थी वो आंटी थी, आप नहीं आंटी हो, मैंने मार खा देगा तू मुझे आंटी कह देगा। वहाँ पे दो लड़कियां एक साथ पैदा हुई, हाँ वो एक वो आंटी की, एक जिसकी तू बेटी है और मेरी बहन जिसकी वो माँ है। मैंने ये क्या मतलब हुआ, कहता तूने मेरी माँ को आंख मार दी थी, मेरी माँ तुझे उठाकर ले आई थी, वो वहाँ पे ही रह गई है, इधर तेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता। सेकंड इश्यूज आर ऑलवेज लाइक दिस। तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड माय दूसरा साइड। लेकिन एक छोटी सी जो आते आते मैंने लिखी थी कि आ चल दो पल हंस लइए, कि चल आ दो पल हंस लइए, एक दूजे के दिल विच वस लइए, गर्द अखा दा हटा के, कि गर्द अखा दा हटा के, एक दूजे दी खुशियां का के गवाह बन लइए, जेड़ी जिंदगी औखी हुई हुई है ओनू आराम नाल जी लइए। थैंक यू। एक लास्ट चीज, थैंक यू। सबनू अपनी अपनी पहिए, सबनू अपनी अपनी पहिए, केदी सुनिए केदी कहिए, सबनू अपनी अपनी पहिए, केदी सुनिए केदी कहिए, कठियां कदरां कट गईयां ने, कठियां कदरां कट गईयां ने, चल कुछ दिन वखरे रहिए। खैरात पाके सजावट कोई नहीं, खैरात पाके सजावट कोई नहीं, इस तो सच्ची इबादत कोई नहीं, जे खैरात पाके सजावट कोई नहीं, इस तो वड्डी सजावट इबादत कोई नहीं, मोहब्बतां दे गुजे मसले ने, मोहब्बतां दे गुजे मसले ने, इन्ना नाल शरारत कोई नहीं। तू भावें माफ़ी मंग के मरहम ला भी जा, तू भावें माफ़ी मंग के मरहम ला भी जा, जख्म दिल दे अंदर ने बाहर कोई नहीं। आप वजाने साज नहीं आंदे, आप वजाने साज नहीं आंदे, पर गल्लां करनो बाज नहीं आंदे, आप वजाने साज नहीं आंदे, पर गल्लां करनो बाज नहीं आंदे, कित्थों मुड़जू मंगना कोई, कित्थों मुड़जू मंगना कोई, कुड़ियां व्याह के दाज नहीं आंदे, दोवां विच्चों इकनू चुनना सौखा नहीं, दोवां विच्चों इकनू चुनना सौखा नहीं, सूली चढ़िया दे सिर ताज नहीं आंदे, आप वजाने साज नहीं आंदे, पर लोकी गल्लां करनो बाज नहीं आंदे। लेख लिखना दस्तूर ए आलम दा, लेख लिखना दस्तूर ए आलम दा, चंगे माड़े हजूर ए आलम दा, तेरा अपना बीजिया ही तेनू कटना पै रहा है, तेरा अपना बीजिया ही तेनू कटना पै रहा है, इस विच की कसूर ए आलम दा। एक फकीर ने चोली अड के मंगया कुछ भी नहीं, एक फकीर ने चोली अड के मंगया कुछ भी नहीं, वाह की अख दा गरूर ए आलम दा। तुरदे तुरदे थक गया हाँ जिंदगी दा सफर, तुरदे तुरदे थक गया हाँ जिंदगी दा सफर, होर किन्ना कु कर दूर है आलम दा। लेख लिखना दस्तूर है आलम दा। जख्म दिल के हरे हो गए हैं, जख्म दिल के हरे हो गए हैं, हम जीते जियत मरे हो गए हैं, कहा था मेरे दिल ने कि वो तेरी ताक में होगा, कहा था मेरे दिल ने कि वो तेरी ताक में होगा, मैंने भी कह दिया कि हम अफवाहों से परे हो गए हैं। लास्ट है जी, खूब तो चंगा लगेगा, कि मैं अंबरों एक तारा, मैं अंबरों एक तारा टुटिया लग रहा हाँ, मैं अंबरों एक तारा टुटिया लग रहा हाँ, आबाद हाँ पर लुटिया लुटिया लग रहा हाँ,
मैं अंबरों एक तारा टुटिया लग रहा हाँ, आबाद हाँ पर लुटिया लुटिया लग रहा हाँ, मेरी कीमत दिन ब दिन कटती जा रही है, मेरी कीमत दिन ब दिन कटती जा रही है, मैं वर्त के सुटिया लग रहा हाँ। मेरी होंद ते यकीन करना भी औखा हो रहा है, मेरी होंद ते यकीन करना भी औखा हो रहा है, मैं इन्नी शिद्दत नाल जड़ों पुटिया लग रहा, मैं अंबरों एक तारा टुटिया लग रहा। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। आज विपन जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट है, उनके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट है। कल एक चहकती चिड़िया बेरी हाउस की, एक चहकती चिड़िया बेरी हाउस की बगिया छोड़ उड़ जाएगी अरोड़ा हाउस में। अपनी माँ की पलकों की परछाई कल नूर बनेगी अपनी सासू माँ की आंखों का। आज हमें नीम की पत्ती जैसा कड़वा सच चबाना होगा, आज आशिमा का आशियाना हमें दुआओं से सजाना होगा। जी, मैं पूछती हूँ प्रभु से ये कैसी रीत बनाई, जैसे ही कली फूल बनी मुस्कुराई उसी समय अपने घर से हो गई पराई। चली फूलों की डाली में बैठकर, अपने सभी सगे संबंधी पीछे छोड़कर, सभी की आंखों को नमी देती हुई, सभी के होंठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट देती हुई चली फूलों की डाली में बैठकर, आज आशी माँ का आशियाना हमें दुआओं से सजाना होगा। अब मैं एक अगली पोएम पढ़ूंगी। मैं मजे में हूँ। घुटने बोलते हैं, लड़खड़ाते हैं, रेलिंग पकड़कर ऊपर जाती हूँ, दांत भी ढीले हैं, रोटी डुबो कर खाती हूँ, पर मैं मजे में हूँ। लिखती सब कुछ हूँ पर वैसा नहीं, दिखता भी सब कुछ है वैसा नहीं। लिखती सब कुछ हूँ वैसा नहीं, दिखता भी सब कुछ है वैसा नहीं। अखबार रोज पढ़ती हूँ पर समझ कुछ आता नहीं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से बात करती हूँ और बहुत भोले स्वभाव में कहती हूँ मैं मजे में हूँ। बीत गया लंबा सफर, हौसले अभी बाकी है। लंबा सफर बीत गया लेकिन हौसले अभी बाकी है। नजर धीमी हो गई है लेकिन आंखों की शरारत अभी बाकी है। शरीर भी बूढ़ा हो गया, और हड्डियां थरथराती हैं, कंपकंपाती है, पर दिल है कि मानता नहीं और बहुत भोले मन से कहती हूं मैं मजे में हूं। अब मैं एक पोएम पढ़ूंगी जो कि मैं पिछली पोएम के साथ रिलेट करूंगी। मैंने पिछली बार एक पोएम बोली थी माय स्वीट 60। आज हम 60 के बाद की एज को डिस्कस करते हैं। चलो 60 के बाद की उम्र को बुनते हैं, कुछ अपनी और कुछ औरों की सुनते हैं। जीने की असली उम्र तो 60 ही है, क्योंकि इसी उम्र में ठाट और बाट है। ये उम्र है पेंशन लेने की, ना कि टेंशन लेने की। बच्चे कहते हैं बैठो बैठो आराम से जिंदगी काटो, अब उनको कौन समझाए। हमारे मन में जो उमंगे तरंगे हैं उनको कैसे मिटाएं, और हम इस उम्र की हर खुशी का लम्हा जीना चाहते हैं, हम जिंदगी जीना चाहते हैं। पत्थर की दुनिया हमारे जज्बात नहीं समझती, हमारे दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। ता उम्र काम किया, पूरी उम्र हमने काम किया, बच्चे बनाए करोड़पति, पर हरकतें ऐसी बनाकर छोड़ेंगे हमें रोड़पति। उन्हें पढ़ाया लिखाया और बोला फॉलो करो विवेकानंद। पढ़े लिखे भी लेकिन फॉलो किया देवानंद। ठीक है, कहते बैठो जपो राम नाम की माला, अब हमारे मन में जो तरंगे हैं उनको भला कौन लगाए ताला। बालों में है सफेद चांदी लेकिन शरीर मांगता है और दिल चाहता है पीने को थोड़ी सी ब्रांडी। लास्ट में बोलूंगी
प्रभु की माया तो देखो, इस उम्र के साथ हमारी कमर अभी झुकी नहीं है, इस उम्र के साथ हमारी कमर अभी झुकी नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों में और दुनिया वालों में होड़ हमें झुकाने की लगी है, लेकिन परंतु पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पेंड ही मुकदे ने कभी शहर नहीं मुकदे, सरकारां दे जनता दे कहर नहीं मुकदे। पेंड मुकदे ने कभी शहर नहीं मुकदे, सरकारां दे किसानां दे कहर नहीं मुकदे। सप्पां विच भी एक दिन मुक जांदे ने, पर बंदियां दे विच कभी जहर नहीं मुकदे। शुक्रिया जी। लिखिया सी कि कच्ची होवे डोर पतंग उड़ाया ना कर, कच्ची होवे डोर पतंग उड़ाया ना कर, हर किसी नू दिल दा हाल सुनाया ना कर। तेरा घर भी कच दा ही बनिया है, दूजे दे घर पत्थर मारन जाया ना कर। लाशे की तेरा घर भी कच दा ही बनिया है, दूजे दे घर पत्थर मारन जाया ना कर। कोड़ा सच बोल देंदा है मिठे झूठ दी थां, अनमोल वर्गे बंदे ना बहुता मुंह लाया ना कर। मेरे वर्गे बंदे ना बहुता मुंह लाया ना कर। लोग मुंह लाते भी नहीं गए। वैसे एक सिक्की साडा सच भी झूठ, ओदे झूठ ते भी शक नहीं हुंदा। साडा सच भी झूठ, ओदे झूठ ते भी शक नहीं हुंदा। कट सोने ते गरीबां नूं प्यार करन दा हक नहीं हुंदा। दिल टुटियां दे कोल भावें सारे आलम दी दौलत होवे, पर फिर भी उन्हां दे पल्ले कख नहीं हुंदा। प्यारा प्यारे तो वक्ख हो सकदा है, प्यारा प्यारे तो वक्ख हो सकदा है, पर प्यारे विचों प्यार कदे वक्ख नहीं हुंदा। प्यारे लई प्यार कदे वक्ख नहीं हुंदा। ये कुछ लिखिया सी मैम ने, कहा सी उहदे नाल रलदा मिलदा गावे, तुहाडे नाल रलदा मिलदा है। ऐ वी डर गया लगदा सुन के, थोड़ा लंबा ना हो जाए। वो कहते हैं बचपन च की आप फिंगर क्रॉस कर लीए तो सौ झूठी खा सकते हैं, तो मैं सौ झूठी खाने लगा जे। हर एक दिल नू दुख दर्द बराबर नहीं लगता, मुंडिया के सीने विच रब ने लगाया दिल नहीं लगता। इन्हां दे दिल पत्थर दे ते पत्थर नहीं चाहते, मैं सौ खा के कहना हाँ मुंडे नहीं रोंदे। मैं सौ खा के कहना हाँ मुंडे नहीं रोंदे। मुंडिया के दिल पत्थर दे ते पत्थर नहीं चाहते, मैं सौ खा के कहना हाँ मुंडे नहीं रोंदे। रोण लई भी मोढ़ा लगे ते सानू मोढ़ा नहीं मिलता, मेहनत जिन्नी करते हाँ हक ओढ़ा नहीं मिलता। धरती दे टोटे हो सकते ने, धरती दे टोटे हो सकते ने, पर आसमान दे नहीं होंदे। मैं सौ खा के कहना हाँ मुंडे नहीं रोंदे, मुंडे नहीं रोंदे। मैं मनदा साथों प्यार दा इजहार नहीं हुंदा, मैं मनदा साथों प्यार दा इजहार नहीं हुंदा। इहदा मतलब है थोड़ी साडे प्यार च प्यार नहीं हुंदा। कुड़ी दी ना इनकार साडा ना कदी इनकार नहीं हुंदा। जिम्मेवारी दा बोझ वधदा रहिंदा है, पर साडे चेहरे ते उहदा भार नहीं हुंदा। चलो छड्डो ऐसियां गल्लां दे, लोकां ते असर खास नहीं हुंदे। मैं सौ खा के कहना हाँ मुंडे नहीं रोंदे, मैं सौ खा के कहना हाँ मुंडे नहीं होंदे। अंदरों घुट घुट मर जाते ने, कई कई रातां नहीं सौंदे। मैं सौ खा के कहना हाँ मुंडे नहीं रोंदे। लास्ट है कि मैं सत्रां विचों सूरत कढ सकदा हाँ, मैं सत्रां विचों सूरत कढ सकदा हाँ। कलाकार हाँ पत्थर विचों तेरी मूरत कढ सकदा हाँ। तेनू याद करना नहीं छड़िया जाना मेथों, तू कहनी है तो सह लैना मैं छड़ सकदा हाँ। तेनू याद करना नहीं छड़िया जाना मेथों, तू कहनी है तो सह लैना मैं छड़ सकदा हाँ। क्यों करा मैं पंजाबी छड़ अंग्रेजी विच गल, क्यों करा मैं पंजाबी छड़ अंग्रेजी विच गल। हुण अपने हत्थी अपनियां जड़ां थोड़ी वढ़ सकदा वा, तेनू याद करना नहीं छड़िया जाना।
तू कहनी है तो सह लिया मैं छड़ सकदा वा। तू कहनी है धर्म ने धर्म के नाम से कतल भी जायज है। तू कहनी है धर्म के नाम से कतल भी जायज है। हुण धर्मी हुण धर्म लई इंसानियत थोड़ी छड़ सकदा वा। तेरे कहे मुताबिक मैं अड किवें हो जावा। तेरे कहे मुताबिक मैं अड किवें हो जावा। मुहब्बत करके मां थोड़ी मैं छड़ सकदा वा। ते लास्ट है कि मेरी हर गल विच तेरा जिक्र आ ही जांदा है। मेरी हर गल विच तेरा जिक्र आ ही जांदा है। कहनी है तो लिखना पढ़ना छड़ सकदा वा। धन्यवाद।